राहुल की ताजपोशी पर गांधी परिवार की करीबी मोहसिना किदवई क्या कह रही हैं, सुनते हैं। एक मिनट, हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य मोहसिना किदवई जी हैं। मोहसिना जी, आपने तो कांग्रेस में बहुत पीढ़ियां देखी हैं, इंदिरा जी के वक्त से लेकर राहुल जी का वक्त अब आप देख रही हैं। ये कांग्रेस की जो बात उन्होंने की है कि कांग्रेस जो है बहुत एंशियंट आइडिया है, आपको कौन सी बात राहुल जी के भाषण की सबसे अच्छी लगी? राहुल जी ने जो आइडियोलॉजी की बात कही कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जिसने जिसको आप गांधी विचारधारा कहिए, कांग्रेस की विचारधारा, वो विचारधारा है। क्योंकि विचारधारा आप देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में झलकती है हमारे देश की, पूरे देश को सामने रख के कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, बनाया गया था। उसमें हर एक का कितनी कौन कौन है, किसको क्या जरूरत है, वो सब बनाए। एक सेकुलर सोशल है ना, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमने बनाई, तो डेमोक्रेसी में हर एक को हक है, हर एक का अपना हक बराबर का है, हम सब का बराबर का हक है। कोई एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का। लेकिन आज जो देश में, जो राहुल जी ने कहा सही कहा कि हम कांग्रेसियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हम आवाम की पार्टी, हम आवाम में जाके कांग्रेस की विचारधारा, और सबसे बड़ी ताकत मेरी नज़र में इस देश की है हमारी एकता, हमारा भाईचारा। अगर हम उसको नष्ट होने देते हैं तो ये देश की रूह, जैसे उन्होंने कहा सोनिया जी ने कि देश की रूह नहीं रहेगी, एक बेजान हिंदुस्तान, ये मैं कह रही हूँ। तो वो जान जो है वो एकता में है, जैसे एक बाग में। राहुल जी ने कहा कि आग अगर एक बार लग जाए तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है, क्या आपको लगता है कि वाकई में देश में आग लग गई है? देखिए, आग का मतलब उनका था कि जिस तरह का माहौल बन रहा है देश में, ये देश के टेम्परामेंट के खिलाफ है ये माहौल। हमारे हर देश का एक मिजाज होता है, हमारे देश का मिजाज है भाईचारा, हमारे देश का मिजाज है आपस में एकता, हमारे देश का विचार है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिले, वही राजीव जी ने समझाओ, वही हमारा सबसे बड़ा हरबा है, सबसे बड़ा हमारा हथियार है। जैसे नेहरू जी का सबसे बड़ा हथियार आज किसी को याद नहीं है, नॉन वायलेंस के जरिए उन्होंने इतनी बड़ी जंग जीती। ये है ABP News, आपको रखे आगे।